ओके हेलो गाइस, स्वागत है एक और मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। आज हम जानेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए, ठीक है। सो बहुत ही आसान है। देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था उसके पहले कि अगर 500 के ऊपर निकल रहे तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या हुआ, गैप अप हुआ मार्केट, और मार्केट गैप अप होकर इसको सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिरा। फिर उसी 500 को इसने एक तरह से एक रेजिस्टेंस का यूज़ किया, ठीक है। इसी 500 को इसने एक तरह से रेजिस्टेंस का यूज़ किया और फाइनली इसने लास्ट में, जब मेरा पेशेंस खत्म हो गया, जब मैंने पोजीशन होल्ड करके बैठा था, लास्ट में जैसे ही इसको क्रॉस किया, मैंने सोचा कि अब मार्केट तो ख़त्म होने वाला है। और लगभग मेरा नियम रहता कि इतना देर तक होल्ड नहीं करते हैं, जैसे ही मैंने किया और यहीं से मार्केट 500 के ऊपर राइज किया। इसको मैंने शेयर भी किया था आपके साथ टेलीग्राम पे, और मैंने लेवल दिया था कि 500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, यानी कि अब मैं बैंक निफ्टी में पूरी तरह से बुलिश हूँ। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बुलिश हूँ, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सो चलिए जान लेते हैं लेवल्स कि इसको एक्टिवेट कब हो सकता है। सो अगर आपको बुलिश जाना है, और मैं बुलिश ही ज़्यादा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक नया लेवल बन चुका है 41,800 के अराउंड, 780 के अराउंड, ये नया, ये जो मतलब हमारा हाई था, अगर ये क्रॉस होता है तो हम एक बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है कि बैंक निफ्टी निफ्टी बुलिश है। US मार्केट भी लगभग फ्लैट ही है। सो मैं दोनों में बुलिश हूँ, और ये है दोस्तों आपका बैंक निफ्टी। अगर आपको फिर भी, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, सो मान लीजिए कुछ हो गया, फिर मतलब रात में कुछ बदल गया, तो हमारा जो नीचे का लेवल है यही सेम लेवल होगा 500, ठीक है। अगर 500 को वापस ब्रेक करता है निफ्टी, तो हमारा पहला टारगेट होगा, अगर 500 को ब्रेक करता है, यानी कि ऐसा कैंडल, ये वाला जो 15 मिनट कैंडल होता है, यही इसको बोलते हैं क्लीन कैंडल, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको ऐसा कैंडल मिलता है तो यही यही हमारा क्लीन कैंडल होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अच्छा कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिसको मैंने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है कि टकला कैंडल, यानी कि बिल्कुल एक लेवल क्रॉस करता है ब्रेकआउट के लिए, बिल्कुल ये परफेक्ट कैंडल है। सो वैसा ही परफेक्ट कैंडल अगर 500 के नीचे मिलता है, या फिर अगर आप पूरा क्लीन रहना चाहते हैं तो इसके नीचे मिलता है, 345 के नीचे मिलता है, क्योंकि अगर आप 500 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो टारगेट छोटा होगा और थोड़ा सा रिस्की भी होगा, क्योंकि सपोर्ट है आसपास में। लेकिन अगर आप 330 के नीचे अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, और इसके नीचे अगर आप बुलिश जाना चाहते हैं, तो फिर एक अच्छा आपको रैली मिलेगा, 105 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने जैसा बताया कि मैं बुलिश हूँ, और हम 42,000 भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी पूरी तरह से बुलिश है, क्योंकि एक रेंज के बाहर इसने क्लोजिंग दे दी है, जिसको मैं बार बार डिस्कस कर रहा था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक डेली का जो हमारा रेंज था, एक उस रेंज के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। सो दोस्तों अभी मैं हूँ गांव में, और गांव में थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ठीक है, तो आप बेयर कीजिए। इसको मैं वापस 15 के चार्ट पे करता हूँ। सो यही है दोस्तों कि एक निफ्टी ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और हमारा यहाँ से बुलिश ही, क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। सेम चीज़ एनालाइज करूँगा मैं निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ने भी एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और हम निफ्टी को भी बुलिश की नज़र से ही देखेंगे, यानी कि हम पी लेने के बारे में कम सोचेंगे, सी जब भी मौका मिले हम। अच्छा, इसके साथ आपको डाटा से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। डाटा मतलब आपको यहाँ पे डाटा भी देख लेना है कि डाटा क्या बुलिश है कि बेरिश है, ठीक है, हो सके कुछ चेंज हो जाए, तो ये भी आपको देख लेना है। और उससे पहले ये दोस्तों धन ब्रोकर, जिसके बारे में मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि आपको इसमें अकाउंट ज़रूर खोलना चाहिए, बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई आपको अकाउंट ओपनिंग नहीं देने हैं। अगर आप इसको अकाउंट ओपन करके ये यूज़ भी नहीं करते तो आपको कोई AMC नहीं देना है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट मिलता है, ठीक है, मल्टीपल लेआउट्स मिलते हैं, या आप यहाँ पे इक्विटीज़ में कर सकते हैं, ETFs में कर सकते हैं, और ये बहुत ही अपने आपको अपडेट करता रहता है धन, ठीक है, बहुत मतलब टेक्नोलॉजी के साथ। सो इसका ऐप भी कमाल का है, बिल्कुल लैग नहीं होता है, ठीक है। सो आप इसमें अकाउंट ज़रूर खोलिए। प्लस अगर आप इसका ऑप्शन ट्रेडिंग जो ऐप है उसको डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम निफ्टी चार्ट पे। सो मैंने जैसे बोला, मैं निफ्टी में भी बुलिश ही हूँ, मैं निफ्टी में भी बुलिश ही हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा निफ्टी का जो लेवल है, ये है 220 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करता है तो हम बुलिश जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बुलिश जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी भागेगा तो निफ्टी भी ज़रूर भागना चाहिए। ये है दोस्तों जो लास्ट मोमेंट में ये रैली आई थी, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैंने इसको मिस कर दिया। अगर हमें देखिए, अगर क्योंकि हम ज़्यादातर बुलिश जा रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज का ब्रेकआउट किया है, सो व्यू तो बुलिश ही है, ठीक है। सो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, यानी कि वापस इसको ब्रेक करता है, 18,120 को ब्रेक करता है, जहाँ से इसने बार बार एक रेजिस्टेंस लिया था, तो
या फिर इसको अगर हम क्लीन कह रहे हैं तो यहाँ पे 100 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है वापस ये, तो हम फिर से 8000 का लेवल देख सकते हैं। सो नीचे की तरफ आपका 8000 का लेवल है, ऊपर की तरफ आपका 18200 का लेवल है निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। फिर हम 300 भी देख सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि हम बिल्कुल बुलिश हैं, डाटा बुलिश है, यूएस मार्केट भी बुलिश ही है, ठीक है। सो नथिंग, कुछ नेगेटिव नहीं है और हमें बुलिश जाना चाहिए। सो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। हम बुलिश मार्केट में हैं। ज़्यादातर आपको अगर कॉल ऑप्शन, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, एंड यही होगा दोस्तों, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसमें अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, अगर आप नए हैं तो आप नीचे कोर्स का लिंक होगा, वहाँ पर आपको 6 महीने की क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल आपको लाइव मार्केट, इवनिंग मार्केट कोर्स के वीडियोस भी हैं बहुत सारे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी फीस जो है सिर्फ 1999 है, बहुत कम है। अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको 500 रुपये बच जाएगा, वो सिर्फ 3499 का है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।